हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल यात्रा। इससे पहले मैंने जब महाबलीपुरम या फिर पौंडीचेरी टूर सीरीज का वीडियोस बनाए थे तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि आप एक चेन्नई का भी टूर सीरीज प्लेलिस्ट बनाइए, क्योंकि हम जब भी कोई नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट से, जैसे दिल्ली हो गया या फिर बॉम्बे, गुजरात, कहीं से भी हम साउथ इंडिया का ट्रैवल करते हैं, जैसे कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई या फिर ऊटी या फिर केरला का कोई पार्ट में ट्रैवल करते हैं, तो हमें वाया चेन्नई ही ट्रैवल करना पड़ता है। और इनफैक्ट अगर कलकत्ता से आप बैंगलोर भी जाते हैं तो भी आपको वाया चेन्नई जाना पड़ता है। और ऐसे केसेस में वो कहते हैं कि चेन्नई में हमें ये तो पता है कि बहुत सारे जगह है घूमने लायक, बट इस शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन सा जगह बेस्ट रहेगा, कैसे वहाँ जाना चाहिए, क्या बजट रहेगा, इन चीज़ों की अच्छे से क्लैरिटी ना होने के कारण बहुत लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के इस तरह के हॉल्ट में चेन्नई को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो अब नॉट टू वरी, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चेन्नई का टूर प्लेलिस्ट। और इसके बाद अगर आप कभी भी चेन्नई पे हॉल्ट करते हैं, चाहे वो आधा दिन का हो, एक दिन का हो या फिर एक से ज्यादा दिन का हो, तो चेन्नई को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं घूमने के लिए। और यकीन मानिए, आप अगर 7 से 10 दिन का भी प्लान लेकर आते हैं तो भी चेन्नई में इतनी जगह है कि आप घूमकर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये है चेन्नई टूर सीरीज का सबसे पहला वीडियो, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि अगर आपका आधा या एक दिन का चेन्नई में हॉल्ट रहता है तो उस एक दिन में आप कौन कौन से मेजर प्लेसेस चेन्नई के अंदर बिल्कुल बजट में और आसान तरीके से घूम सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके पास वन डे के चेन्नई टूर के लिए मेजर कौन कौन से साइट सीइंग प्लेसेस हैं जिसे हम कवर करेंगे। देन वील सी दैट हाउ टू विजिट दिस प्लेस, किस तरह से इन प्लेसेस को या फिर इन साइट सीइंग प्लेसेस को हम विजिट करें, वो भी बिल्कुल बजटेड मैनर में और बड़े आसान तरीके से। कहाँ से कौन सा बस लेना है, मेट्रो लेना है या फिर कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे। देन वील सी दैट टाइमलाइन या फिर आइटनरी, डे वन में जो भी आप चीजें देखने वाले उसको किस ऑर्डर में आप ट्रैवल करें, किस ऑर्डर में कवर करें और कहां पर कितना टाइम आपको देना चाहिए, किस तरीके से जाना इजी रहेगा, तो ये सारी चीजें हम वन डे का टोटल आइटिनरी का हम प्लान कर लेंगे और उसमें हम पूरा ऑर्डरली देख लेंगे। और फाइनली हम देखेंगे इस पूरे वन डे के चेन्नई टूर का टोटल कॉस्ट, जो आपका एग्जैक्टली रहेगा 150 रुपीज पर पर्सन फॉर ऑल द साइट सीइंग प्लेसेस विजिट विद इन वन डे। तो आइए इन सारे इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम सबके दिमाग में वन डे का ट्रिप हो या इससे ज्यादा दिन का ट्रिप हो, चेन्नई के टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे पहला नाम आता है मेरीना बीच। मेरीना बीच यहाँ का लॉन्गेस्ट बीच है, तो हमारे इस वन डे के ट्रिप प्लानिंग में भी एक साइट सीइंग प्लेस रहेगा मेरीना बीच का विजिट। देन अगर हम चेन्नई में हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, काफी फेमस, काफी पुराने टेम्पल्स हैं। अगर आप बसंत नगर बीच जाते हैं तो यहाँ पर आपको अष्टलक्ष्मी टेम्पल मिल जाएगा, मैलापुर में आपको कपिलेश्वर टेम्पल मिल जाएगा, देन ट्रिप्लिकेन में आपको पार्थसारथी टेम्पल मिल जाएगा एंड वड़ापल्ली में आपको वड़ापल्ली मुर्गन टेम्पल मिल जाएगा। ऐसे चेन्नई में बहुत सारे और काफी फेमस टेम्पल्स हैं। और अगर हम चेन्नई में मॉस्क की बात करें तो यहाँ पर अन्ना सलाई या फिर माउंट रोड में जो फेमस मॉस्क है वो है 1000 लाइट मॉस्क, तो इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टॉप 10 डिवोशनल प्लेसेस वगैरह जो भी चेन्नई में है उसके बारे में मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ वड़ापल्ली का मुर्गन टेम्पल एज पर टाइम प्लानिंग और एज पर कनेक्टिविटी के हिसाब से। आप चेक कर लीजिए इंटरनेट में, अगर आपको और कोई टेम्पल विजिट करना है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। बट आई मस्ट से दैट अगर आप चेन्नई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक डिवोशनल प्लेस या फिर एक टेम्पल जरूर विजिट कीजिए। एंड देन नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस रहेगा सैंथम चर्च, ये भी एक डिवोशनल प्लेस है, बट मोर देन अ डिवोशनल प्लेस अभी ये चेन्नई का वन ऑफ द मेजर साइट सीइंग प्लेस है जिसे आपको मस्ट विजिट करना चाहिए अगर आप चेन्नई के टूर प्लान कर रहे हैं तो। सो वील विजिट सैंथम कैथेड्रल बेसिलिका चर्च या फिर इसे शॉर्ट में कहा जाता है सैंथम चर्च। एंड देन फाइनली अगर हम साउथ इंडिया के टूर पर है और चेन्नई में है तो यहाँ पर आप शॉपिंग कैसे भूल सकते हैं, आइदर यू आर ए लेडीज और इन अ ग्रुप और फैमिली या फिर सोलो ट्रैवलर। चेन्नई में आपको शॉपिंग के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस, बजटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट है जहाँ पर आप वैरायटी के शॉपिंग्स कर सकते हैं। तो हम चेन्नई में देखेंगे यहाँ का जो मेजर शॉपिंग हब है वो है टी नगर, सो हम टी नगर का मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपके चेन्नई के वन डे के ट्रिप में ये है कुछ मेजर लोकेशंस या फिर मेजर साइट सीइंग प्लेसेस कह लीजिए आपके वन डे के शॉर्ट ड्यूरेशन में।
तो आइए अब देख लेते हैं इन प्लेसेस को आप ऑर्डरली कैसे विजिट कर सकते हैं ताकि सारी चीजें विद इन टाइम कवर हो सके और आपको हर जगह पर एनफ टाइम मिल सके उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं एक डिवोशनल प्लेस के विजिट से या फिर एक टेम्पल विजिट से। तो मैंने मेरे इस आइटनरी में वडापल्ली मुर्गन टेम्पल का जिक्र किया है, तो इसके लिए वडापल्ली मेट्रो स्टेशन है जो एकदम मुर्गन टेम्पल से अटैच्ड है। तो आप अगर चेन्नई में बाय फ्लाइट आते हैं और एयरपोर्ट के आसपास आपका स्टे रहता है, या फिर आप अगर बाय ट्रेन आते हैं और आपका चेन्नई सेंट्रल या फिर एगमोर के पास स्टे रहता है, इन सारे जगह से आपको मेट्रो कनेक्टिविटी है वडापल्ली के लिए। आप आराम से चेन्नई सेंट्रल से मेट्रो ले सकते हैं विच विल कॉस्ट यू 40 रुपीज, और डायरेक्ट मेट्रो है जो आपको वडापल्ली में अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिनट के ड्यूरेशन में आपको पहुंचा देगा। और अगर आप बाय एयरपोर्ट आते हैं तो आपको ये कॉस्ट रहेगा मेट्रो में 20 रुपीज का, और इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट्स। तो ये काफी विशाल टेम्पल है, अंदर भी बहुत सारे मूर्ति, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है। तो सब जगह सारे चीजों को देखने के लिए, पूरे एरिया को घूमने के लिए आपको आराम से 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़े देर टाइम स्पेंड कीजिए, पीछे बहुत बड़ा तालाब भी है तो यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। तालाब में उतरना अलाउड नहीं है, बट ये सब एरिया आप देख सकते हैं, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर आप 1-1.5 घंटा स्पेंड कीजिए, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस रहेगा आपका वो रहेगा टी नगर का विजिट। टी नगर आ जाइए आप शॉपिंग के लिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वडापल्ली से आपको टी नगर तक कैसे जाना है। तो यहाँ से आप बहुत सिंपल तरीके से एक MTC का जो सिटी बस होता है ये आप ले सकते हैं। तो टी नगर में ये पनगल पार्क वाला एरिया है और ये है टी नगर का मेन बस स्टॉप। तो अगर आपको वडापल्ली टेम्पल के इस मेन बस स्टॉप से M27 या फिर 72 नंबर की बस मिलती है तो ये आपको डायरेक्ट ले आएगी टी नगर बस डिपो। तो इस पर्टिकुलर जगह पे आप उतर जाइए और यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे टी नगर को। और अगर आपको 12 नंबर की कोई भी गाड़ी मिलती है, जैसे 12B हो गया या 12E या फिर 12X, इस तरह के 12 नंबर की बहुत सारी गाड़ियां मिलेगी, तो इसका लास्ट स्टॉप टी नगर नहीं होता, ये आगे जाता है। तो इसके लिए आपको ये पनगल पार्क वाला एरिया है, यहाँ पर जो ये जूडियो का शोरूम है इसके सामने ही ये स्टॉप है जिसका नाम है पनगल पार्क स्टॉप। तो यहाँ आप उतर जाइए, यहाँ उतरने के बाद अगेन आप यहाँ से पूरा का पूरा टी नगर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी गाड़ी ले लिए, 10-15 रुपया का आपका बस का फेयर रहेगा पर पर्सन का, और आपको अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट ही लगेगा यहाँ तक आने के लिए। तो इस तरीके से आप बस लेकर आ जाइए टी नगर, और अगर आप चाहें तो बाय ट्रेन भी आप टी नगर आ सकते हैं। ये जो मामबलम वाला स्टेशन है, ये पर्टिकुलर स्टेशन में आप आ जाइए चेन्नई सेंट्रल से, या फिर एयरपोर्ट में जो त्रिशूलम स्टेशन है यहाँ से इस पर्टिकुलर मामबलम स्टेशन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। हार्डली 5 रुपीज का टिकट लगता है, तो आप यहाँ तक भी आ सकते हैं अगर आपको सबसे पहले शॉपिंग करना है तो। और टी नगर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये शॉपिंग पैराडाइज है चेन्नई का। यहाँ पर आपको ऐसा कोई चीज नहीं है शॉपिंग का जो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको लेडीज वेयर से लेके किड्स वेयर, देन शूज, बैग्स, एवरीथिंग आपको मिलेगा। बड़े से बड़े शोरूम से लेके छोटे से छोटे फुटपाथ में जो अच्छे आइटम्स मिलते हैं वहां तक आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो मेन और मेजर स्ट्रीट है वो है रंगनाथन स्ट्रीट। रंगनाथन स्ट्रीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, और यहाँ पर आपको दोनों तरफ हर तरह के आइटम मिल जाएंगे। यूटेंसिल्स के शॉप, क्लोथिंग्स के शॉप, किड्स वेयर्स के अलग शॉप्स हैं, फुटवेयर्स के अलग शॉप्स हैं, गोल्ड, डायमंड, इस तरह के शॉप, सब चीज आपको इस स्ट्रीट में मिल जाएगा। इसके अलावा पूरे टी नगर में आप देख सकते हैं श्री लेदर्स है, जूडियो है, और इस तरह के अलग अलग बड़े बड़े शोरूम है। और अगर आपको साउथ इंडियन ट्रेडिशनल साड़ीज वगैरह लेना है तो आप पोथीस आ सकते हैं, या फिर आप ये RMK भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सर्वना स्टोर के बहुत सारे बिल्डिंग मिल जाएंगे जगह जगह पर। रंगनाथन स्ट्रीट में आपको 2-3 सर्वना स्टोर्स के बिल्डिंग मिल जाएंगे, प्लस पनगल पार्क के पास भी आपको सर्वना स्टोर मिल जाएगा, सर्वना स्टोर का फर्नीचर का डेडिकेटेड शॉप मिल जाएगा, इस तरह से बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर। तो आराम से आपको 2-3 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा यहाँ पर शॉपिंग के लिए। तो आप यहाँ पर लगभग 1:30-2 बजे तक टाइम स्पेंड कीजिए फॉर शॉपिंग। तो उसके बाद यहीं पर आप लंच कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। मैं इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको बेस्ट फूड ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर है चेन्नई में, ये मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 2 बजे के आसपास लंच कर लीजिए, और लंच करते करते आपका 3:30 बज जाएगा,
एंड इनफैक्ट अगर आप थोड़ा जल्दी लंच करना चाहते हैं तो इनिशियली आने के बाद आप 12-1 बजे भी लंच कर सकते हैं, उसके बाद अपना शॉपिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप 2 या 3 बजे तक स्पेंड कीजिए, उससे ज़्यादा आप स्पेंड मत कीजिए। देन इसके बाद मैंने जो आपको पहले बताया था 12 नंबर की बस से अगर आप आते हैं तो इस पनगल पार्क वाले बस स्टॉप पे आप उतरेंगे, तो इसी बस स्टॉप पे फिर से वापस आप आ जाइए और यहाँ से अगेन 12 नंबर की ही कोई सी भी गाड़ी ले लीजिए जो आपको सैंथम चर्च बस स्टॉप पे उतार देगी। तो अब हम अगला विजिट करेंगे सैंथम चर्च। सैंथम चर्च यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसे आप मस्ट विजिट कीजिए। तो बाय बस आपको यहाँ तक अगेन आने में आधा घंटा का टाइम लग सकता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर चर्च में भी आप आधा घंटा 40 मिनट मैक्सिमम 1 आवर स्पेंड कीजिए। फोटोज वगैरह आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, पूरा चर्च को आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद लगभग 5:30 तक आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए और 5:30 के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट विजिट कीजिए मरीना बीच। तो इसके लिए आप जो सैंथम चर्च के इस ऑपोजिट में ये वाला बस स्टॉप है यहाँ तक आ जाइए और यहाँ से आप ले लीजिए बस नंबर 6D या फिर 109 या फिर 102 का कोई भी बस और यहाँ से हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा आपको मरीना बीच पहुँचने में। तो मरीना बीच में जो ये पर्टिकुलर आर्टिफिशियल फाउंटेन वाला जो एरिया है ये मेजर लोकेशन है मरीना बीच का। यहाँ से आप जो ये नैरो एक रोड सा देख रहे हैं बीच के सैंड के ऊपर, तो ये एक तरह से मेला जैसा लगा रहता है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारी दुकानें रहती है, इन दुकानों के अंदर से आप जब गुजरेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक फील आएगा। यहाँ पर खाने पीने के शॉप्स है, छोटे मोटे सुविनियर्स आइटम्स आप परचेस कर सकते हैं और भी बहुत सारे बीच में जो भी चीजें मिलती हैं उससे रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर। तो इस स्ट्रीट से ही होकर मोस्टली लोग जाते हैं और फाइनली ये जो शोर है इस पर्टिकुलर शोर पे आते हैं। बट ये जगह बहुत ही क्राउडेड रहता है, अगर आप इवनिंग में जाते हैं वीकेंड्स में जाते हैं तो इतना क्राउडेड रहता है कि आपको कभी कभी पानी में उतरना भी रिस्की रहेगा। तो अगर आपको इस तरह का क्राउड विटनेस करना है तो यू कैन गो बाय दिस वे। अदरवाइज मरीना बीच का जो स्ट्रेच है ये बहुत लंबा है, ये सैंथम चर्च के बाद जो ये लाइट हाउस वाला एरिया है यहीं से पूरा मरीना बीच स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच है ये। तो इसमें आप बीच में कहीं पे भी उतर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए तो आप ये जो नम चेन्नई वाला जो एरिया है इसके सामने QMC कॉलेज बस स्टॉप है, ये क्वीन मेरी कॉलेज बस स्टॉप है, यहाँ आप उतर जाइए 6D 109 या 102 के जो बसेस मैंने बताए थे उनमें से, तो आप उनसे क्वींस मेरी कॉलेज का टिकट ले लीजिए और यहाँ तक उतर जाइए। ये हार्डली आपका 5 मिनट का ही सफर रहेगा सैंथम चर्च से। तो यहाँ उतर के आप ये जो नम चेन्नई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये नम चेन्नई का मतलब है आवर चेन्नई, हमारा चेन्नई, तो ये हमारा चेन्नई लिखा रहता है। तो इसके सामने बहुत लोग फोटो क्लिक करते हैं, ये फोटो क्लिकिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से जो पीछे ये एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से आप इजीली बीच तक जा सकते हैं। यहाँ आपको पहले वाले लोकेशन से कंपैरेटिवली लेस क्राउड मिलेगा तो यहाँ आप इजीली टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पर ही आप इवनिंग 6-7, 7:30 बजे तक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका अगर स्टे सेंट्रल के आसपास है तो हार्डली यहाँ से सेंट्रल 2 या 2.5 किलोमीटर ही होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शाम के वक्त आप यहां से एक ऑनलाइन में ओला या उबर में या फिर बहुत सारे और ऐप्स हैं जिसमें ऑटो वगैरह हायर कर लीजिए। इट विल हार्डली कॉस्ट यू 50-60 रुपीज फ्रॉम मरीना बीच टू योर होटल लोकेशन, अगर आपका होटल एगमोर या फिर चेन्नई सेंट्रल के आसपास है तो। तो इस तरीके से ये 3-4 मेजर स्पॉट है चेन्नई में जिसे आप विटनेस कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं इन योर शॉर्ट 1 day ट्रिप ऑफ चेन्नई। तो आइए देख लेते हैं इस टूर को इस ऑर्डर में किस टाइमलाइन में आपको कंप्लीट करना है, कितना टाइम कहां पर देना सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा 8 या 8:30 बजे के आसपास आप निकल जाइए वडापल्ली टेम्पल के विजिट के लिए। तो 8:30 को अगर आप निकलते हैं अपने होटल से या फिर जहां पर भी आप स्टे कर रहे हैं वहां से तो अप्रॉक्सीमेटली 9:00 तक आप पहुंच जाएंगे टेम्पल और 9 to 10:00 या फिर 10:30 तक 1.5 घंटा आपको लगेगा इस टेम्पल को विजिट करने के लिए। तो 10:30 तक आप विजिट कीजिए इस वडापल्ली टेम्पल को और 10:30 के बाद यहां से आप बाय बस आ जाइए टी नगर। अप्रॉक्सीमेटली 1/2 hour लगेगा आपको टी नगर तक आने के लिए, तो मैं मान के चलता हूं 10:30 to 11 आपका ट्रैवल टाइम रहता है। देन 11 to 2:00 3 घंटा आप स्पेंड कीजिए टी नगर में फॉर वेरियस टाइप ऑफ शॉपिंग्स, आप एक्सप्लोर कीजिए शॉप्स। आपको अगर आइडिया नहीं है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक स्ट्रीट या फिर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको शॉप्स या फिर लोकेशन लिंक दे दूंगा, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। उसके बाद 2 to 3 एक घंटा आप लंच के लिए रखिए, मेक श्योर आप टी नगर में ही लंच कर ले, बाकी जगहों से टी नगर में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। देन 3 बजे के बाद 3 से 3:30 या 4 बजे तक मैं मान के
चलता हूँ, एक घंटे का ट्रैवल मान के चलता हूँ, जिसमें आप पहुंच जाएंगे सैंथम चर्च। और सैंथम चर्च में आप 1 आवर स्पेंड कीजिए, 4 to 5 PM आप सैंथम चर्च पे स्पेंड कीजिए। देन 5 to 5:30 अगेन आपका ट्रैवल टाइम रहेगा फ्रॉम सैंथम चर्च टू मेरीना बीच, और मेरीना बीच में आप 5:30 से लेके आपका जितना भी टाइम है 6, 7, 8 o'clock, 9 o'clock तब भी आप स्पेंड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट यू कैन प्रोसीड टू योर होटल, और अगर आपका लेट नाइट का कोई ट्रेन है तो आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपके पास और कम टाइम है, मान के चलिए आपके पास हाफ डे का ही टाइम है, 5-6 hours का टाइम है, तो आप इनमें से कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आप शॉपिंग वगैरह अगर आप स्किप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले अगर मरीना बीच वगैरह देख चुके हैं, कभी चेन्नई विजिट किए हो और देख चुके हैं, तो अदर प्लेसेस आप विजिट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने टूर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका जो मैंने टोटल कॉस्ट बताया था वो 150 rupees टोटल ट्रैवल कॉस्ट पर पर्सन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आप फ्रॉम सेंट्रल ट्रैवल करते हैं वड़ापल्ली तक बाय मेट्रो, तो आपका ये कॉस्ट हो जाता है 40 rupees। देन यहाँ से आप बाय बस ट्रैवल करते हैं टी नगर तक, दैट विल कॉस्ट यू हार्डली 15 rupees। वहां से अगेन आप बाय बस ट्रैवल करते हैं सैंथम चर्च तक, जो अगेन 15 rupees का ही कॉस्ट आएगा। देन सैंथम चर्च से आप जो मरीना बीच ट्रैवल करते हैं वो हार्डली आपका 10 rupees के आसपास ही कॉस्ट आएगा, तो वो भी हम 15 rupees मान के चलते हैं। देन फाइनली फ्रॉम मरीना बीच आप अपने होटल के लिए एक ऑटो वगैरह ले लीजिए। मैं आपको इस जगह पर ऑटो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि दो रीजन है इसके। एक तो पहला चीज है, आप सुबह से बहुत टायर्ड हो जाएंगे तो आपको वो बस वाला जर्नी थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा। दूसरा चीज है, मरीना बीच में इवनिंग के टाइम में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मरीना बीच विजिट करने आते हैं, उसके बाद वो जब रिटर्न जाते हैं तो बस का ऑप्शन ही देखते हैं, तो यहाँ बस में बहुत ज्यादा भीड़ होता है कभी कभी इवनिंग के टाइम में। सो दैट्स व्हाई अगेन दैट विल गिव यू अ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बस में, जो बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, तो उस टाइम आप ट्रैवल ना करें। सुबह से जो मैं आपको बस का जर्नी बताया था उसमें आपको बहुत ज्यादा रश नहीं मिलेगा, बट ये इवनिंग में वो भी मरीना बीच वाले पॉइंट से, वो भी आपको सेंट्रल या फिर कोई मेन लोकेशन तक जाना है, तो उन बसेस में थोड़ा सा आपको रश मिलेगा। दैट्स व्हाई यू कैन प्रिफर अ ऑटो फॉर योर लास्ट ट्रिप फ्रॉम मरीना बीच टू योर होटल। तो ये अगर आपका सेंट्रल के आसपास होटल है, तो जैसा मैंने कहा था कि 50-60 rupees लगेगा, तो मैं 65 rupees मान के चलता हूं। तो इस तरीके से तो पर पर्सन 150 rupees अगर आप स्पेंड करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप 4-5 places जो भी मैंने बताया था वो बड़े इजीली 150 rupees में कन्वीनियंट तरीके से चेन्नई के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर यहाँ पर और कोई प्लेस विजिट करना है तो यहाँ पर बहुत सारे और प्लेसेस हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे के कुछ वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पर जो मैं आपको मरीना बीच बताऊँ, इसके अलावा भी बहुत सारे और अच्छे अच्छे बीच हैं, जैसे एलॉयड्स बीच है जो बसंत नगर बीच कहा जाता है, देन त्रिवानमियूर बीच है, तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टे ट्यून टू माई चेन्नई टूर सीरीज प्लेलिस्ट, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स आगे मिलती रहेंगी। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मेनली एक्सप्लेन किया हूँ वन डे के एक शॉर्ट टूर में क्विकली विजिट करने वाले कुछ प्लेसेस, तो इसका मैं एंड में एक बार और रिकैप कर देता हूँ। तो ये है वो प्लेसेस जो आप वन डे में विजिट कर सकते हैं, और इसके लिए ये है इसके टाइमलाइंस जिसे आप फॉलो कीजिए, देन ओनली यू कैन कंप्लीट एवरीथिंग विद इन टाइम। और इसके लिए जो 150 rupees का कॉस्ट ब्रेकअप है वो कुछ इस तरीके से आपका कवर हो सकता है। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से चेन्नई के एक वन डे शॉर्ट टूर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा भी आपको अगर और कोई डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा और आपको हर तरीके से आपके चेन्नई टूर प्लान में गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ट्रैवल यात्रा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस पॉइंट तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे जो मैं इस चेन्नई टूर सीरीज प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस लाने वाला हूं, तो उस पूरे प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको यहीं पर दे रहा हूं। यहां से आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, इससे आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी चेन्नई टूर से रिलेटेड। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड, और आपसे जल्दी मिलते हैं इसी चेन्नई टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।